वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने आज 157 लेवल पे क्लोजिंग दे, करीब यहाँ पे आप देख सकते 2% की गिरावट देखने को मिली थी, 3.20 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे आप देख सकते इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। और यहाँ पे आप देख सकते कि आज ओपन हुआ था 160.50 पे, हाई 161.40 का बनाया था और लो था 157 पे जहाँ पे क्लोजिंग दी थी। डे एंडिंग में पे लो पे यहाँ पे गिरावट होने के बाद क्लोजिंग दे चुका था। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप देख सकते 7.13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 6.12 है जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए, और डिविडेंड यील्ड भी है 5.73% का। तो जैसे कि आज ओपन हुआ तो प्रीवियस क्लोजिंग भी एक रजिस्ट्रेशन का काम किया, वही पे रजिस्ट्रेशन लिया 2 से 3 बार और फिर यहाँ पे सेटल नहीं हो पाया 160 के ऊपर, तो फिर से ब्रेकआउट मिला नीचे की साइड और गिरावट देखने को मिली थी। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक किया था, एक अच्छी रिकवरी भी की थी, फिर से आज के दिन में गिरावट देखने को मिली और लास्ट 1 मंथ में 3.60% अप है अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो करंटली एक चॉपी मूवमेंट में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है, मीन दो लेवल के बीच में ज्यादातर ट्रेडिंग हो रही है जो कि 152 यहाँ पे आप देख सकते 160 यानी कि दो लेवल के बीच में ही ज्यादातर ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते जैसे कि 160 टू 165 लेवल को ब्रेकआउट मिलेगा तो 170 लेवल तक टू 180 लेवल तक जाने के भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो कल से नए प्यूट लेवल आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते कि नए प्यूट लेवल आए तो मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए।